और ये अभी सरकार से तीन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। एक तो जो स्पेशल वीआईपी है उसका नाम उजागर हो, और जो दूसरा इसमें जो आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाए। तीसरी बात इसमें जो उनके परिजनों ने यहाँ पे कही है कि जो जो भी इस उसमें जो वीआईपी गेस्ट और नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच इसमें ज़रूर हो, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के ये अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल सकता है। तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि इस मुहिम में जुड़ें और अंकिता भंडारी को न्याय दें। और मैं अभी हमारे बीच और यहाँ पे सरकार सरकार उत्तम सिंह जी हैं जो देवप्रयाग में पूर्व प्रधान हैं, इनसे मैं इस बात पे कुछ कहना चाहता हूँ कि इनके क्या विचार और क्या राय हैं। जी इसमें सबसे पहले बात, मुख्य बात तो ये है कि हम सीबीआई की मांग करते हैं। इसमें जो वो हो जी कि सीबीआई की जांच हो, एसआईटी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है, कैसे देती है, हमें इस संबंध में कोई, सीबीआई जांच हो तभी हम लोगों को संतुष्टि रहेगी। और हम, और नंबर दो पे नार्को टेस्ट हो उन लोगों का, जी कि नार्को टेस्ट से पता चले। और तीसरी बात यह है कि वीआईपी का वीआईपी, उस वीआईपी का पता चलना चाहिए कि जी जी जिसके लिए इस अंकिता भंडारी का उन्होंने इस ढंग से अपहरण, अपहरणी बोले कि अपहरण करके उसका जो खात्मा किया जी है, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि उस वीआईपी का नाम उजागर हो, तब तो पता चले कि कौन वीआईपी, कौन कौन वीआईपी है ऐसे कि जो ऐसे ऐसी निर्भय बालिकाओं के साथ में ऐसी घटनाएं। भाई इससे पहले भी एक घटना हुई है वहाँ, जी एक शायद एक लड़की का नाम पहले भी बता रहे कि एक पहले भी ऐसी गायब हुई है जिसका कि अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पहले भी थी जी एक, जी जी क्या नाम बता रहे थे उसका, किरण क्या किरण है, किरण किरण है शायद, हाँ। तो उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। अब ये तो बात उछल गई, इसका उन्होंने मर्डर, मैंने अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो पता क्या चलता, बॉडी मिल गई। अब सोशल मीडिया में थोड़ा काम हो उस समय, वो उसका तो पता ही नहीं चला वो कहाँ है अभी तक। जी तो हम लोगों की ये मांग है सरकार से, और जब तक सरकार ये तीन मुद्दों पे, इन तीन चीजों को नहीं करेगी तो हम हमारा धरना चलता धरना रहेगा, जारी रहेगा, बस जारी रहेगा हमारा धरना, ये समझ लो, भूख हड़ताल पे हम समझ, ये मांग उठती रहेगी। जी उनके माता पिता से मैं बात करवा देता हूँ, उनकी क्या मांगे हैं। जी उनके पिताजी अभी हमारे सामने हैं, और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, कृपया आप अपनी मांगे बताइए। मेरी तीन मांगे हैं। जी एक तो सरकार द्वारा सीबीआई से जांच कराई जाए, और दूसरी मांग है कि तीन जो आरोपी हैं इनका नार्को टेस्ट किया जाए, और तीसरी जो वीआईपी जिसके कारण मेरी लड़की की, इन तीन दरिंद्रों ने हत्या की, उस वीआईपी का पता करें कि जी आखिरी है कौन ही वीआईपी। ओके। और जो अभी आप जी सर नैनीताल में जो आप गए हैं, तो क्या आप सरकार से वहाँ पे संतुष्ट हैं इस मुद्दे पे? हाँ, जो एसआईटी लीपापोती करके जो जांच लाई उसे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या क्या साक्ष्य छिपाए गए हैं आप इस वो बारे तो में? सभी साक्ष्य छिपाए, एक भी साक्ष्य का प्रूव नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, और ये अभी हियरिंग, अगली हियरिंग कब इसकी? ये 26 को है, 26 को है। 26 तो सभी जनता यहाँ पे, जनता भी काफ़ी परेशान है, और जनता इस मामले में सरकार के प्रति आक्रोशित है। तो जी अरे मैं देवप्रयाग की समझ माता बहनों से मेरे से ये अनुरोध है कि जी आप जब तक मेरी लड़की अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिले, आप अपने देवप्रयाग यहाँ पे बैठ के क्षेत्र में बैठ के धरना पे मेरा साथ दें, और मैं पूर्ण जितना भी हो सके मैं आपके समय समय पर यहाँ पे आता रहूँगा, आपके जी बीच रहूँगा। सभी सभी तुम्हारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ कुछ जब तो जो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, लड़की सबकी है, वो भी हमारी एक लड़की थी, जो सब साथ देंगे और तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हो इस विषय में? जो बैठे हुए शर्मांगी है ये धरने पे, ये अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी,